नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल मजुमदार, किशलय आर्ट स्कूल के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं पेंसिल स्केच के ज़रिए जो सीरीज़ बना रहा था उसका ही चौथा पार्ट ये है, और इसमें आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ढलता हुआ सूरज का भी एक इफ़ेक्ट कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो गाय यहाँ पर चल रहा था तो उसका थोड़ा सा शेड यहाँ पर हम लोग ग्राउंड के ऊपर दिखलाएंगे, ताकि ये सभी, तो यहाँ पर देखिए आप कैसे करके शेड आ रहा है। और यहाँ पर अगर कुछ गलती भी हो जाए ड्राइंग में, आप सुधार भी कर सकते हैं, पर मेरे माने तो एक आप काम ज़रूर कीजिए, कभी भी इरेज़र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि इरेज़र आपको उस काम में काबिलियत के बजाय आपको एडवांटेज दे देगा। तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट या जो भी देख रहा है या सीख रहा है वो एडवांटेज के ज़रिए उसको सीखे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो चौथा पार्ट बोला था इस सीरीज़ का, वो चौथा नहीं होगा, पांचवा होगा, शायद मेरी कोई गलती हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आप देखिए, मैं स्ट्रोक की बजाय यहाँ पर पेंसिल को ऐसे करके धीरे धीरे करके शेड दे रहा हूँ। यहाँ पर दो तीन पंछी भी दे रहा हूँ जो अच्छा लगेगा, इस ड्राइंग को और एक मात्रा दे देगा। ये उड़ता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा वाला पेड़ है। और डेप्थ आप लोग हर वक्त देखिएगा कि जो सरफेस में टच कर रहा है उस जगह पर सबसे ज़्यादा है, सब्जेक्ट जहाँ पर सरफेस को टच कर रहा है वहाँ पर डेप्थ ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे जब दूर होता हुआ जाएगा तब ये डेप्थ बहुत ही हल्का होता जाएगा, तभी आप लोगों को ये काम या कोई भी काम अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल किशलय आर्ट स्कूल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्ते दोस्तों।